में अपने किरदार से बेहतर दुनिया बनाने वाले एक समय के बेहतर अभिनेताओं में शामिल रहे, बेहतर कलाकारों में शामिल रहे। रज़ाक खान की हम बात करेंगे। एक ऐसे अभिनेता थे रज़ाक खान जिनकी पहचान ज़बरदस्त थी। कॉमेडी टाइमिंग ऐसी थी कि लोग उनके दीवाने थे। 28 मार्च साल 1951 में जन्म लेने वाले रज़ाक खान का निधन साल 2016 के 1 जून की तारीख को मुंबई में हुआ, बांद्रा व्यस्त में। इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई में रज़ाक के जाने से फिल्म इंडस्ट्री बहुत दुखी हुई थी। आज उनके परिवार की भी बात बता दें, बच्चे हैं उनके मुश्ताक खान, सहर खान, आज़ाद खान, सहम खान और उनके सिबलिंग हैं शहजाद खान। अब्दुल रज़ाक खान इंडियन एक्टर जिन्होंने हिंदी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल के साथ कॉमिक रोल किया। मनी चंद, जी हाँ, कॉमिक रोल जो उनका मनी चंद में था उसे सबसे याद किया जाता है। अब्बास मुस्तान की डायरेक्टेड फिल्म बादशाह की हम बात करें तो बहुत ही शानदार रहा। निंजा चाचा का रोल उन्होंने हेलो ब्रदर में प्ले किया था और साल 1999 में ये फिल्म सुपरहिट हुई जिसमें इनका किरदार भी सुपरहिट रहा। इसके अलावा टक्कर पहलवान जो इन्होंने आँखियों से गोली मारे फिल्म में रोल किया उसे भी बहुत याद किया जाता है। ये तो आप जानते हैं इनके कैरेक्टर्स कई ऐसे हैं जिसे हमेशा याद किया जाएगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कितना उनका अंत बुरा था, कितना दर्द भरा था? जी हाँ, शायद आपको मालूम ना हो लेकिन रज़ाक खान के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, उनका अंत बहुत ही दर्द भरा रहा। ज़िंदगी का अंत कुछ ऐसे हुआ, लोगों ने सोचा नहीं था रज़ाक खान ऐसे चले जाएंगे। उनके निधन की वजह आपको बता दें, हार्ट अटैक उन्हें 12:30 पे देर रात 1 जून की तारीख को आया था। होली फैमिली हॉस्पिटल में उन्हें सीधा ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें तब तक नहीं रहे वो ये कह दिया था। लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, उनकी उम्र 67 साल की थी, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। कार्डियक अरेस्ट उन्हें हुआ था जिसके कारण वो गुजर गए थे। उसके बाद उनके परिवार का क्या हाल हुआ, चलिए उनके परिवार की भी बात बता दें। दरअसल रज़ाक खान के गुजर जाने के बाद उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा टूटा था। ये शायद आपको मालूम ना हो लेकिन रज़ाक खान के परिवार की बात की जाए तो फिल्मों की इस लाइमलाइट से उनका परिवार बहुत दूर रहता है। और तो और उनके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी है। लाइमलाइट से काफ़ी दूर रहते हैं उनके परिवार वाले, उनके बच्चे, उनके संतान, जो बहुत कम ही दिखते हैं आसपास लोगों के। रज़ाक खान के फैमिली मेम्बर्स को अगर आप देखेंगे तो आप ज़रूर इमोशनल हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी दूरी बनाई है। ये सब फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी दूर रहते हैं। रज़ाक खान के परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा इस इंडस्ट्री से दूर रहे हैं शुरुआत से ही। जितना ज़्यादा चाहते थे रज़ाक खान फिल्म इंडस्ट्री में परिवार वालों के, उतने ही ज़्यादा उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।